आज हम लोग मीरा जी का थोड़ी देर दर्शन करेंगे। भक्तिमती मीरा जी अलौकिक भक्त हुई है। कई संतों ने मीरा जी के लिए अलग अलग शब्द बोले। किसी ने कहा मीरा जी भक्ति की गंगोत्री है, जहां से गंगा प्रकट हुई है। किसी ने कहा है मीरा जी भाव की मान सरोवर है। किसी ने कहा है मीरा जी विरह की महासागर है। अनेक संतों ने अपने अपने हृदय के भाव मीरा जी के लिए व्यक्त किए हैं। और सच बात यह है कि मीरा बोली नहीं जा सकती, मीरा पर बोला नहीं जा सकता, मीरा गाई जा सकती है, मीरा नाची जा सकती है, मीरा को समझा नहीं जा सकता, मीरा को सटका जा सकता है, पिया जा सकता है, मीरा की व्याख्या नहीं की जा सकती, मीरा में डूबा जा सकता है। बहुत दिव्य जीवन मीरा जी का। हमारे ब्रज की गोपियों को तो कृष्ण का दर्शन करने के बाद प्रेम हुआ था। मीरा जी ने संतों के श्रीमुख से कृष्ण के बारे में सुना और प्रभु के प्रेम में पागल हो गए। और मीरा जी की भक्ति कोई छुपी हुई नहीं थी, चूंकि नाच छुप कर नहीं नाचा जा सकता है, कभी कभी रोया तो जा सकता है छुप कर, लेकिन नाचा नहीं जा सकता, छुपकर गाया नहीं जा सकता। मीरा ने गाया है, मीरा ने नाचा है, और मीरा जब रोई है तो संकोच में नहीं रोई, खुलकर, जैसे बालक रोता है, शुद्ध हृदय निर्मल हृदय बालक हृदय खुलकर रोता है, चतुर चालाक बुद्धिमान मस्तिष्क। अच्छा अम्मा जी, अरे वाह पधारी, तो वो सोच सोच के रोता है कि कोई क्या कहे। मीरा की भक्ति जगत प्रसिद्ध है, डंके की चोट पर दुनिया ने क्या सुना ये मीरा ने नहीं बोला, मीरा को क्या लगा मीरा ने वो बोला, उसने डंके की चोट पर कह दिया। मेरी लगी शाम संग प्रीति दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीति दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या पागल कहती है। लोग कहें मीरा भैरी बाबरी, तुमको जो कहना है कहो, मुझे जो करना है सो मुझे करना है,
डंके की चोट खुली सड़क पर नाची, खुली सड़क पर गाया है। इतने बड़े परिवार की परंपराओं को धता बताकर आगे बढ़ गई मीरा। बहुत दिव्य है मीरा, बहुत दिव्य। मीरा का नाम आते ही पवित्रता की सुगंध आने लगती है। इनके जन्म की भी कहानी बड़ी विचित्र है। ये ब्रज की उस समय की गोपी थी जब भगवान का अवतार हुआ था, द्वापर के समय की गोपी थी। लेकिन उस समय फूल पूरा खिल नहीं पाया था, अधूरा रह गया। जिस समय गोवर्धन लीला प्रभु ने की है, उस समय सब ब्रज के गोप ग्वाले 7 दिन के लिए गिरिराज जी में आए हैं। इसकी बड़ी इच्छा थी, मैं भी जाऊं। लेकिन सास ननद ने जाने नहीं दिया, स्वयं चली गई। इसको रोक दिया, नहीं तुमको घर रखाना है, घर का काम कौन करेगा, अभी नहीं। पूरा ब्रजमंडल आया है गिरिराज जी में, ये गोपी नहीं आ पाई। बहुत रोई, दिन रात रोती थी। प्रभु मैं कैसी अभागिन, सारा ब्रज आपके दर्शन कर रहा है और मैं अभागिन घर में कैद। भगवान ने स्वप्न में इससे बात की, गोपी घबराओ मत, इस समय धैर्य पूर्वक इस समय को सहलो, रहीमन चुप घर बैठिए, देख दिनन के फेर। अब इस समय तुम्हारा आया नहीं है, मैं तुमसे वायदा करता हूं, तुमको पूरा अवसर दूंगा, जो तुम चाहोगी वो होगा, धैर्य रखो। गोपी ने प्रार्थना की, प्रभु ये जन्म तो मेरा व्यर्थ चला गया, इस जन्म में तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन भगवान इस बार तो मर्यादाओं के बंधन में मुझे जकड़ दिया गया, अगला जन्म बंधन मुक्त देना, जहां मैं नाच सकूं, आपके लिए गा सकूं, रो सकूं, आपसे मिल सकूं, आपसे कुछ प्रेम की बातें कर सकूं। और इसी इच्छा को लेकर उस गोपी ने अपना शरीर छोड़ दिया। और मैंने कथा के प्रसंग में भी एक दिन सुनाया था, मरते समय मनुष्य का मन जहां अटका होता है उसको पूरा करने के लिए उसका अगला जन्म हुआ करता है। मरते समय जो विचार जो भावना मन में आती है, अगला जन्म उसका उसी के अनुसार होता है। और सती ने ये प्रमाणित किया है, जिस समय पिता के यज्ञ में सती का शरीर जल रहा था, उस समय जब तक सती को होश रहा, शारीरिक होश रहा, तब तक रोते रोते उसने एक ही बात की, भगवान सती मरते हरि सन वरु मांगा, सती मरते हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण भीम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण भीम गिरि ग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, आज से रोते प्राण छोड़ते, प्रभु बंधन मुक्त जन्म देना। भगवान ने भी जानबूझकर रेगिस्तान में जन्म दिया है, मरुस्थल में जन्म दिया है, जहां कांटे ही कांटे, जहां कभी फूल खिलना जानते ही नहीं। प्रभु चाहते इस सूखे प्रदेश में भक्ति की वर्षा होनी चाहिए। इंद्र बरसे न बरसे, लेकिन मीरा की आंखों के आंसू इसको तर कर देंगे, इतना घनघोर वर्षा इसकी आंखों से होगी। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस कटिले प्रदेश में भी भक्ति के पुष्प खिलने चाहिए, आनंद के विरह के घोरे गुंजारने चाहिए। जोधपुर जिले में मेड़ता गांव में जन्म हो गया। 5 वर्ष की छोटी सी अल्पायु से मीरा की भगवत प्रेम की लीला का प्रारंभ होता है, बिल्कुल छोटेपन से। एक संत इनके यहां आए परिवार में, गोपाल जी की सेवा उनके पास थी। भगवान कृष्ण की बहुत छोटी सी प्रतिमा साथ रखते थे, वो पूजा सेवा प्रातःकाल कर रहे थे। 5 वर्ष की बालिका
खेलते खेलते बाबा जी के कमरे में आ गए। देखा क्या सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का, और दर्शन करते ही मीरा 4,500 वर्ष पीछे लौट गई। ये घटना 4,500 वर्ष की थी, द्वापर में जब भगवत प्रकट हुए थे। ठीक 4,500 वर्ष पुरानी लीलाएं दिखाई दे गई। ओहो, ये तो वही है जिसके विरह में मैं शरीर छोड़कर आई हूं। डूब गई। जब तक बाबा जी सेवा पूजा करते बैठी रही, छोटा बालक, बाबा ये मुझे दे दो, मैं सेवा पूजा करूंगी। बाबा ये मेरे मन को भा गए, ये मुझे दे दो। भगवान मन को भाना चाहिए ना। नहीं बेटा, अभी तुम बालक हो। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। जिद पर अड़ गई, जिद पर अड़, नहीं दिया। महात्मा लेकर चले गए। मीरा विरह में, यहां से विरह की लीला शुरू हो गई। मीरा के विरह की लीला यहां से शुरू। बाबा तो अपने रास्ते गए, मीरा ने भोजन छोड़ दिया, दूध न पिए, किसी की गोद में न खेले, रोए रोए रोए। बहुत तेरे प्रकार के खिलौने दिए, बहुत तेरे प्रकार के खिलौने दिए। कुछ समझ में आया नहीं, चूंकि अंतर मन में तो श्याम बसे थे, कुछ समझ में नहीं। 3 दिन हो गए, लगता है बालक तो प्राणी छोड़ देगा भूखा प्यासा। अब बाबा को कहां ढूंढा जाए, कोई ठोर ठिकाना हो तो ढूंढे। उधर रात्रि को सोते समय बाबा के सामने भगवान प्रकट हो गए, और स्वप्न का है महात्मा, ये मूर्ति जिसकी अमानत है उसको वापस करके आओ। ये अमानत तुम्हारी नहीं है, मैंने कुछ दिन के लिए तुमको धरोहर के लिए रखी थी। जो जिसको जिसके लिए मैं आया था वो आ चुका है। तुमको जो सेवा पूजा करनी थी, तुम्हारी यात्रा यहीं तक थी, इसके आगे की यात्रा उसको करनी है। और रात्रि के सोते सोते जब भगवान ने स्वप्न में कहा, उसी समय महात्मा हड़बड़ा कर उठे। दौड़ते दौड़ते प्रातःकाल मेड़ता आए और मीरा जी के चरणों से लिपट गए। बेटी पूजा तो हमने की थी, फल तुमको प्राप्त हो गया। पूजा तो हमने की थी, पौधा तो हमने लगाया था, फल तो बेटा तुमको। उस दिन से कृष्ण संबंध हुआ, कृष्ण हाथ में आ गए। और जो वस्तु हाथ में आ जाती है उसका हम अपने अनुसार फिर व्यवहार करते। कृष्ण हाथ में आ गए, वैसे तो हृदय में आ जाए तो भी कृपा हो जाती है। और जिसके हाथ में कोई आ, कहते ना वो नेता तो मेरे हाथ का है, वो व्यक्ति मेरे हाथ का है, हम जो चाहे सो करेंगे। और कृष्ण से मीरा ने जो चाहा फिर सो ही करवा लिया, चूंकि कृष्ण हाथ में आ। बहुत लाड़, यहां से इस छोटे से खिलौने ने मीरा जी के खेल को बदल दिया, खेल को बदल दिया। देखिए कृष्ण की याद में कैसे डूबे। मेरे एक दिन का प्रवचन आप याद करिए, मैंने स्टोव का उदाहरण दिया था कि पहले जब स्टोव जलाते थे तो बर्नर को गर्म करने के लिए कच्चा तेल उस पर निकाल के फिर बर्नर गर्म करते थे, और चाय बन गई तो हवा निकाली, स्टोव बुझ गया। इतने में तत्काल दूसरी चाय बनाने की जरूरत पड़ गई, कोई ऐसे सज्जन आ गए जिनके लिए चाय बनानी है। तो फिर आप कच्चा तेल निकाल कर बर्नर गर्म नहीं करते, 2 पंप लगाई, डीएसएलआई दिखाई और बर्नर भर भर करने लगता, चूंकि पहले से ही गर्म था। बस इतना ही हुआ, गर्म बर्नर आया था, तीली लग गई, मीरा का प्रेम भर भर आने लगा, एकदम प्रकट हो गया। कृष्ण की मूर्ति नहीं मिली, साक्षात कृष्ण ही मिल गए। हृदय से लगाती, दिनरात उन्हीं को खिलाना, उन्हीं को रिझाना, उन्हीं से बातें करना, उन्हीं से बातें करना, उन्हीं से बातें। कुछ दिन तक तो मीरा बात करने लगी, कुछ दिन के बाद कृष्ण मीरा से बात करने लगे। देखिए हमसे हमारा भैया भी बात नहीं करता है, हमसे हमारा पड़ोसी भी बात नहीं करता है, चूंकि हम अहंकार लेकर। सीता जी के साथ क्या हुआ, विनय प्रेम वश भई जी। माल मूरती मुझे
समर्पण में मूर्ति मुस्कराती है, पत्थर की मूर्ति प्रतिमा, पार्वती जी की प्रतिमा मुस्करा गई। हमको देखकर पड़ोसी का मुंह मुसमुसा जाता है, वो मुस्कराती है, हमको देखकर हमारे परिवार के लोग मुंह मुसमुसा लेते। अहंकार भीतर भरा है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, आत्मीयता नहीं है। तो कृष्ण बोलने लगे। अब आपको कैसे समझाऊं कि कृष्ण कैसे बोले? तो जब आप किसी के प्रेम में डूब जाते हैं या आप किसी की दुश्मनी में डूब जाते हैं, देखो दोनों ही मन में डूबे होते हैं, प्रेमी भी मन में समाता है और दुश्मन भी मन में समाता है, दोनों एक ही प्रकार से समाते हैं, बस अंतर इतना है जब प्रेमी मन में समाता है उसकी याद जब आती है तो मन मिठास से भर जाता है, और दुश्मन की याद आती है तो मुंह जरा कड़वा कसैला हो जाता है। समाते दोनों हैं और दोनों ही भीतर से बोलते हैं। आपने कभी किसी से प्रेम किया हो या आपकी किसी से दुश्मनी हुई हो, आप देखिए आप दोनों रोल आप ही करते हैं। आपका भी मन उसे गाली देता है, होठों से आप गाली देते हो, और भीतर का मन उसकी ओर से कि वो ये बोल रहा है, और आप फिर ये उत्तर दे रहे हैं, वो ये बोल रहा है आप ये उत्तर दे रहे हैं। एक ही मन दोनों बातें बोलता है ना, दोनों बातें बोला करता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा या दुश्मनी की पराकाष्ठा। तो मूर्ति नहीं बोलती थी, मीरा के होठ बोलते थे और हृदय से भगवान कृष्ण बोला करते थे। ये नियम है, अगर मैं अपने प्रेमी को ये बोलूंगा तो प्रेमी इसका उत्तर ऐसे देगा। वो दोनों ही रोल एक साथ होते। मीरा डूब गई कृष्ण प्रेम। दूसरी घटना घटित हुई, पड़ोस में किसी की शादी थी, बारात आ रही थी, बारात निकल रही थी, तो दादी माँ मीरा जी की दादी छोटी बच्ची को गोद में लेकर बारात देखने के लिए आ गए। नाच गाना हो रहा था, दूल्हा घोड़े पर बैठा था, तो छोटे बच्चे ने बालक की तरह और वैसे पूछी ना, दादी माँ दादी साहब मेरी शादी किससे होगी, मेरा विवाह किससे होगा? अब दादी छोटे 5 वर्ष के बालक को क्या समझाए, तो मन रखने के लिए कह दिया कि तेरे गिरधर गोपाल से तेरी शादी। दादी को मालूम नहीं था कि हंसी में कही गई बात इस लड़की की जिंदगी को एकदम बदल देगी। और जैसे ही दादी ने कहा कि तेरी शादी गिरधर गोपाल से कराएंगे, बस छाती से लगा, और उसी दिन से पति भाव में मीरा जी डूब। शादी हुई मेवाड़ के राणा को, भोजराज जी के उनका नाम था, उनके साथ शादी होके जब शादी हो गई, पिता ने पूछा, बेटी कोई अपने मन की चीज बताओ, तुमको हम क्या दे, बाकी दान दहेज तो हमने दिया है ससुराल वालों को, तुम बताओ। बोले पिताजी मुझे मेरे गिरधर गोपाल दे दीजिए, मैं इनको ही साथ दे। फेरे भी पड़े थे तो दिखाई तो दे रहा था ब्राह्मणों के कि भोजराज के साथ पड़ रहे हैं, लेकिन मीरा की गोद में छुपे हुए भगवान कृष्ण थे। वहां से उन्होंने शादी की रचना पूरी कर दी, मेरे तो गिरधर गोपाल। शादी होकर जब ससुराल में आई तो बहू को किसी न किसी देवस्थान में मंदिर में ले जाया जाता है, तो सास ननद बाकी सब रिश्तेदार महिलाएं गीत गाते गाते नए दंपति को देवी मंदिर में आशीर्वाद के लिए ले गई। तो पूजन उजन सब हुआ तो पुजारी ने कहा कि माथा टेकिए बहुरानी जी, माथा टेको। ये खड़ी रही, ननद ने कहा, सास ने कहा, बेटा बहू माथा टेको। जब ननद ने बहुत कहा भाभी माथा टेको ना, देवी माँ आशीर्वाद देंगी, सुहागमर होता है, इससे सुहाग अखंड रहता है, गोद भरती है, पुत्र रत्न प्राप्ति होती है, घर में धन धान्य बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है, देवी माँ को प्रणाम करो। बहुत बार कहने के बाद अंत में बोल दिया मीरा ने, मेरा प्रणाम नहीं हो पाएगा, सिर नहीं झुका पाऊंगी, मेरा तो एक ही के सामने सिर झुका है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल, तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले हाथ। इस देश की साधु की हिम्मत देखी ना, वृंदावन में आ गए तुलसीदास जी, मुरली मरमुर खड़े हुए, अरे बोले महाराज ये मुरली बजाने से देश नहीं बचेगा, इस समय सारा भारत दिल्ली शोरवा जगदीशोरवा कर रहा है, गायों की हत्या की जा रही है, मंदिरों के शिखर गिराए जा रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं के कत्ल किए जा रहे हैं, कुओं में हिंदुओं का रक्त भरा जा रहा है, और आप बंसी बजाएंगे कब तक, ये मुरली बजानी है आपको, मेरा मस्तक नहीं झुकेगा,
तो भगवान बोल पड़े, कब झुकाओगे? बोले जब धनुष बांध ले हाथ और श्याम सुंदर ने मुरली फेंक दी और धनुधारी हो गए। ये भक्त की ताकत है, हम जैसा चाहे वैसे। भगवान भक्त के वश में, भक्त निर्णय करता है कि ये रूप चाहिए। प्रणाम नहीं किया, सास ननद बाकी और रिश्तेदार, कैसी कुलटा कैसी कुटिल, ये तो बड़ी, ये कहां टिकेगी, ये तो बड़ी उद्दंड है, ऐसा बहुत प्रकार से त्रास देने लगे, त्रास दे। उस समय उस भोजराजी थे, बहुत सीधे सरल थे, बहुत सीधे सरल। ननद समझाती है, भाभी ये व्यवहार ठीक नहीं है, परिवार के अनुसार रहना पड़ेगा। आप ये जोर जोर से गाती हैं, कई बार गाते गाते बाहर निकल जाती हैं, ये राजस्थान की राजभवन की परंपराओं के विपरीत है। हमारे किसी अंग को आज तक किसी समाज के किसी व्यक्ति ने देखा नहीं, या बहुत पर्दे की, बहुत दब ढक के रहने की प्रथा है। ये राणा को अच्छा नहीं लगता है, ये आपको शोभा नहीं देता है। मीरा किसी की सुनती नहीं, भोजराज जी से बहुत प्रकार की शिकायत। भोजराज जी मीरा जी को भाव को जानते थे, देखो साधु संगति का प्रभाव हुआ करता, पत्थर ही है तो उसकी तो कोई बात नहीं, संवेदना जब होती है तो प्रभाव आया करता है। भोजराज जी जानते थे कोई देवी है, ये कोई अवतारी महापुरुष है, ये कहाँ संसार के चक्कर में फंस गई, पति पत्नी का नाता तो जोड़ा है जगत ने, लेकिन ये उसको स्वीकार ही नहीं करती है, कभी भी स्पर्श नहीं कर पाए भोजराज जी। संयोग कही है, घटना कही है, एक दिन भोजराज जी ने कहा, देवी हमने सुना है कृष्ण तुमसे बात करते हैं, तुमको दर्शन देते हैं, प्रकट होकर तुम्हारे साथ खेलते हैं, हमको भी दर्शन करा सकती हो क्या? बोले एक शर्त, एक शर्त। क्या है शर्त? बोले दर्शन तो मैं करा दूंगा, लेकिन फिर आज से हमारा आपका पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा, हमारा आपका कोई संबंध नहीं रहेगा। भोजराज ने कहा, सोचा मन में, आज नहीं तो 50 वर्ष बाद टूटेगा, मृत्यु तो निश्चित है, कम से कम भगवान का दर्शन तो हो जाएगा। बोले शर्त स्वीकार है तुम्हारा। भगवान प्रकट हुए, भोजराज जी ने दर्शन किए और शरीर छोड़ दिया, और जैसे ही शरीर छूटा तो मीरा से तो पहले ही दुश्मनी पूरे परिवार की थी, चीख चिल्ली कुलटा आ गई, हत्यारे ने आ गई, नरभक्षणी आ गई, इसने क्या कर डाला, मार डाला, हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया, बड़ी कठिनाई, बड़ी कठिनाई। उदाबाई इनके जो ननद थी, इनके मरने के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे राणा विक्रम, ये बहुत क्रूर प्रकृति का व्यक्ति था, बहुत क्रूर, बहुत निकृष्ट, मीरा जी के प्रति बहुत घृणा रखता था, इसने मीरा जी को बहुत तंग किया है। मीरा शायद कृष्ण के लिए इतना नहीं रोई जितने इसके अत्याचारों से रोई थी, बहुत तंग किया। ननद ने कहा कि भाभी अच्छा नहीं लगता, ये राज परिवार की परंपरा क्या विपरीत जा रही है, आप सत्संग में जाती हैं, साधुओं के साथ नाचती हैं, ये हमारी परिवार की परंपरा नहीं है, राणा को अच्छा नहीं लगता। मीरा ने कहा, जिनको मेरा आचरण व्यवहार अच्छा नहीं लगता है वो मुझसे संबंध छोड़ दे। और राणा जी के लिए उन्होंने घोषित कर दिया, अब नहीं मानू राणा थारी में भर पायो गिरे धारी, अब नहीं मानू राणा थारी में भर पायो गिरे धारी, मैं नहीं मानू राणा थारी में भर पायो गिरे धारी, मन कपूर की एक कपूर की एक ही गति है, चाहे कहो हजारी में भर पायो गिरे धारी, हाँ चाहे कहो हजारी में भर पायो गिरे धारी, आज मैं नहीं मानू राणा थारी में भर पायो गिरे धारी, कुटुंब से न्यारी में भरे
पसंद नहीं है, मुझसे संबंध छोड़ दो, मेरे साथ कोई व्यवहार करने की जरूरत नहीं। इतना जब मीरा जी ने बोला, इतना बड़ा अत्याचार हुआ। एक इसके पास पुराना किला था, उसको भूत घर कहते थे, अनेक राणाओं के उसमें मृत्यु हो चुकी, जो उसमें रहता था उसकी मौत हो जाती, उसमें लोगों ने रहना बंद कर दिया, उस भूत घर में टिका दिया इनको। बोले तुम तो महल में रहने लायक नहीं हो, भूत घर में जाओ। और भक्त को तो एकांत पसंद है, प्रेमी को एकांत प्रिय होता है। प्रेम सबके बीच में नहीं होता, प्रेम सार्वजनिक किया नहीं किया जा सकता, प्रेम एकांत की वस्तु है। ये तो बहुत अच्छा किया, जैसे नरसिंह जी को उनके समधी ने एक बूढ़ी गऊओं की गौशाला में टिका दिया था, नरसिंह जी नाचने लगे, अरे वाह गायों की शाला में बहुत अच्छा भजन होगा, गऊ के गोबर से चौका लगाएंगे, क्या सुंदर समधी जी ने इतनी बड़ी कृपा की है। हमारे साथ घटना क्या हुई ये बहुत महत्व के नहीं, आपने घटना को किस दृष्टि से स्वीकार किया है परिणाम उसका हुआ करता है। मीरा तो गदगद हो गई, अब अपने प्रेमी से खुलकर बात करेंगे, खुलकर ओढ़ाने देंगे, खुलकर नाचेंगे, खुलकर गाएंगे। और जब मीरा जैसी भक्त इस भूत घर में भूत निवास में आई, तो वर्षों से जो भूत योनि की इनके पूर्वज पीड़ा सह रहे थे, मीरा के छिड़काव से, मीरा के भजनों से, मीरा के चरणामृत से, ठाकुर जी के चरणामृत से, सब पूर्वज भूत योनि से तर तर कर अपने अपने लोग चले गए। मीरा जी को बहुत आशीर्वाद देकर गए, बहुत कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गेस्तताये पितरोपि धन्या येषां ग्रहे वैष्णव नाम। एक भक्त पैदा हो जाए, आगे पीछे की सात सात पीढ़ियां तर जाए। शिव बोलते हैं पार्वती जी, सुकुल धन्य उमा सुने और जगत पूज सुकुनी, श्री रघुवीर परायणे जेहि नर तो और ज्यादा आनंद में आ गई, चूंकि अब कोई रोक टोक नहीं, अब सत्संग भवन में ही होने लगा, उस भूत घर में ही बाहर के सब साधुओं को निमंत्रण जाने लगे, संतों के टोल आने लगे, रात दिन कीर्तन की झूम धूम मची है, और विक्रम चढ़ गया, और विक्रम चढ़ गया। सलाह की इसको, इस कांटे को कैसे निकालें, बोले इसको तो मारना ही पड़ेगा, अब स्त्री हत्या का पाप लगेगा, चूंकि इनके भी पक्षधर बहुत है, राज्य में विद्रोह हो सकता है, ये कलंक क्यों लिया जाए, कोई और रास्ता। तो कहने में थोड़ा मुझे झिझक लगती है, पुजारियों ने कहा कि मीरा भक्त हैं, भगवान के चरणामृत को ठुकरा नहीं सकते, चरणामृत के नाम से विष घोल कर दे दीजिए तो ये हो जाएगा कि उन्होंने गलती से विष पी लिया, हमने तो चरणामृत भेजा था। विष घोटा गया, भयानक विष, हलाहल। समाचार भिजवा दिया कि आज राणा जी शालिग्राम जी का बहुत बड़ा एक अभिषेक करने वाले हैं, तो प्रसाद यही आ जाएगा आप। एक दयाराम नाम के पंडित थे, उन्होंने एक दासी को लिया, बोले मेरा तो अंदर प्रवेश नहीं होगा, लेकिन तुम ये जाकर चांदी का कटोरा और मीरा जी को कहना है कि राणा जी ने आज अभिषेक किया था शालिग्राम जी का चरणामृत। आ गई, जब मीरा जी को ये सूचना, रे मीरा तो नाचने लगी, भगवान का चरणामृत लेने के लिए सामने मंदिर में हाथ पसार कर प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि पुजारी जी चरणामृत, और ठाकुर जी की इतनी कृपा कि चरणामृत स्वयं चलकर मेरे पास आ गया। और जब कटोरा से ऊपर से वो रुमाल उठाकर देखा तो हलाहल, मीरा जानती थी ये विष, मीरा को मालूम था ये विष, चूंकि मीरा के पास इनके भी पक्षधर उनके राजभवन में लोग रहते थे। लेकिन मीरा ने सोचा कि भगवान का चरणामृत कभी विषैला हो नहीं सकता, भगवान आज इसी रूप में आप आए हो स्वीकार है, और गट 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 करके पहले तो नाची है मीरा, करो में प्यालो देख मीरा है अधीर नाची, नाची काल कूट देख छाया महाकाल की, नाची दिव्य अंगना हुलास भरे मानस में, और नाच उठी आनंद में देह मुंड बाल की, नाच उठी दासी
निज जीवन सफल जान। जो कटोरा लेकर आई थी वो भी नाचने का आज राणा बहुत पुरस्कार दे। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, और नाच उठी कुमती कराल भूपाल की। राणा की कुमती नाचने लगी, आज कांटा कट जाएगा। नाच उठी नेत्रन की पुतली प्याले बीच। पीने से पहले मीरा ने एक बार निगाह भर कर जब विष के कटोरे को देखा तो नाच उठी नेत्रन की पुतली प्याले बीच। तो पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल की। मीरा विश्वास करो, विष नहीं है, मैं स्वयं विराजमान हूँ। गोपाल की विज्ञान परीक्षण से समझ में नहीं आ गया, ये मनोविज्ञान का परीक्षण है। इतने प्रेम से इतने भाव से अगर विष भी पियोगे वो भी अमृत का काम करेगा। आपका पात्र कैसा है इस पर निर्भर करता है। आपने उसमें पात्र में रखा क्या, ये बहुत महत्व की बात नहीं। पात्र की क्वालिटी क्या है, पात्र कैसा है। पात्र अगर शुद्ध है तो विष भी शुद्ध हो जाएगा। और पात्र में वासना की कीचड़ है, भोग के कीड़े बिलबिला रहे हैं, उसमें अगर अमृत भी उड़े लोगों वो भी विषैला हो जाए। इतने विश्वास के साथ भगवान शिव को मालूम था ये विष है, पी गए, विष भी आराम देने लगा, विष भी आराम। देवता तो अमृत पीकर अमर हुए, शंकर जी विष पीकर। और ऐसी कथा आती है बंधुओं, जिस समय मीरा ने यहां विष पिया है, द्वारका में द्वारकाधीश के मुख से झाग आ गए थे। इतनी मीरा कृष्ण के साथ एक रूप थी, विष पिया है मेवाड़ में और झाग आ गए द्वारका में। मीरा को मालूम था कि विष दिया है, क्योंकि जो सामने प्रतिमा थी कृष्ण की काली हो गई थी। कृष्ण की प्रतिमा मीरा के विष पीते ही, मीरा पर तो नहीं असर हुआ, कृष्ण ने सारा विषैला अपने ऊपर उतार लिया, मूर्ति काली। मीरा बहुत रोई है, मीरा ने बोला है, राणा जी जहर दियो हम जानी, राणा जी जहर अपने घर को परदा
श्याम सुंदर श्याम से और गहरे श्याम हो गए। द्वारिका की मूर्ति में से झाग आ गए। राणा जी जहर दियो हम जाने। हम पसंद नहीं, अपने घर का पर्दा कर लीजिए, हमको मत रोको, मीरा बच गए। दिवाली की गिफ्ट के नाम पर कोवरा नाग पेटी में बंद करके भेजा। दिवाली की भेंट आई है, मीरा ने बहुत प्यार से जब वो पेटी खोली तब कोबरा खड़ा हो गया। मीरा जी इतनी गदगद होगी, प्रभु आज ये रूप तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सजन पीरा, हर ही कृपा अच्छा लगा है। और प्रियतम अगर पास आ गया तो प्रियतम को तो गले ही लगाना चाहिए, नाग को गले में लगा लिया। लोगों को लगा कि कोबरा काट लेगा, लेकिन सांप इतने अभद्र नहीं होते जितना मनुष्य होता है। सांप इतने अभद्र नहीं होते, नाग भी जानता ये मूर्ति काटने लायक नहीं है, प्यार करने लायक है, दुलार करने लायक है, ये भोली है और भोली को नाग नहीं काटा करते। आप देखिए छोटे बच्चों को सांप नहीं काटा करते, घरों में जब सांप निकलाते छोटा बच्चा ऐसे करता, सांप सरक जाता है, उसको मालूम है ये भोला है, इसको काटा नहीं जा सकता। इसलिए शंकर जी ने जब नाग स्वीकार किए तो उनका नाम ही भोलेनाथ पड़ गया, क्यों नागों को तो भोला ही स्वीकार कर सकता है, नागों को तो भोला ही स्वीकार कर सकता। जिन ही निरगी मांग सांपेन बीची, जिन ही निरगी मांग सांपेन बीची, जिन ही निरगी मांग सांपेन देखकर जहरीले जंतु अपना स्वभाव विष त्याग देते, तजय विषम विषताम, आदमी जहरीला होता जा रहा है, जहरीले जंतु अपना स्वभाव बदल रहे हैं, आदमी का स्वभाव बिगड़ रहा है, सांप अपना स्वभाव सुधार रहा है। जब ये दो घटना हो गई पूरे देश में चर्चा हो गई, संतों के द्वारा सारे देश में चर्चा हो गई, भारतवर्ष के लोग मीरा जी का दर्शन करने आने लगे। देखिए सारी सारा भारत इस देवी का दर्शन करने आ रहा है और परिवार के लोग अंधे हैं, इसको देवत्व दिखाई नहीं दे रहा। महापुरुषों को उनके निकटतम लोगों ने कभी महापुरुष नहीं माना, जो ज्यादा निकट रहता है वो महिमा देख नहीं पाता, देखने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए, देखने के लिए श्रद्धा के नेत्र चाहिए, देखने के लिए माथे की आंखें नहीं चाहिए, हृदय के नेत्र चाहिए, श्रद्धा के नेत्र। सारा देश दर्शन कर रहा है और घर के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा,
हमारे घर में अवतार हो चुका है, हमारे घर में महापुरुष आ चुका है, देवत्व आ चुका है, हमारे नहीं दिखाई दे। और इतनी ख्याति हुई मीरा जी की कि तानसेन को लेकर एक बार वेश बदलकर अकबर को आना पड़ा मीरा जी का दर्शन करने। उस समय दुश्मनी चल रही थी राणा परिवार से, लेकिन अकबर को आना पड़ा भक्त का दर्शन करने के लिए। नहीं रुक पाया, वेश बदला। तानसेन ने आकर ठाकुर जी को बड़ा सुंदर पद सुनाया। अकबर ने एक मणियों की माला भेंट करना चाहिए, मीरा जी ने रोक दिया, नहीं नहीं ये मत करें, बोले ये मेरी श्रद्धा है, अभी मालूम नहीं अकबर बादशाह चले। राणा को पता लग गया कि अकबर आया था, और ज्यादा क्रूर हो गया, पहरा लगा दिया, पता करो कौन आता है। और पिछले 3 दिनों से मीरा को बहुत त्रास दिया जा रहा था, बहुत त्रास। 3 दिन से ठाकुर भी भूखा और मीरा भी भूखी। मीरा तुम नहीं प्रसाद पाओगी तो हमको भोग मत लगाओ, तुम्हारे बिना हम भोजन नहीं करेंगे। 3 दिन हो गए, भोजन तैयार होता है, सेविका लाती है, ठाकुर मना कर देता है, नहीं नहीं पहले देवी को कहो कि ये हमारे साथ प्रसाद पाए तब पाएंगे। 3 दिन रोते रोते आज की रात सेविका पड़ोस के कमरे में सोती थी, लेकिन सेविका को लगा कि देवी आज लगता है प्राण छोड़ सकती है, ये जीवित नहीं रह पाए। बहुत प्रकार से समझाती, लेकिन मीरा रोते रोते आज वो अपने कक्ष में नहीं गई। रात्रि का 1 बजे का समय, ठाकुर जी सामने विराजमान, मीरा बहुत रो रही थी। सेवका ने पैर पकड़े, देवी कई दिन हो गए आप सोई नहीं, थोड़ी सो जाइए ना, आपकी आंखों में नींद नहीं दिखाई दे रही, आंसू ही आंसू भरे हैं आपके, आप सो जाइए, आपकी तबीयत ठीक हो जाए। और जब सेविका ने कहा कि आप सो जाइए, आज मीरा सेविका से लिपट गई, विरह कथा कासो कहू सजन, मैं अपने विरह की कथा किसको सुनाऊं, भई क्षमा सीरन, मेरी नींद गायब हो गई। नींद बड़ा कारुणिक मीरा ने पद गाया है, नींद निसानी हो सखी मेरी, नींद निसानी हो सखी, सब गाए घनपुर हाँ जो चा
चली बिनु पानी हो सखी मछली बिनु पानी हो सखी मेरी नींद न सानी हो सखी मेरी नींद न सानी हो रात हो गए, आप न सोई हैं ना, आपने कुछ प्रसाद पाया है, थोड़ी देर में कैसे सो भाई, छह माह से मेरी आंखों से नींद नष्ट हो गई, आती नहीं है, इतना विरह की इतनी ज्वाला है अंदर, ये सोने नहीं देती, ना जीने देती है, ना मरने देती है, ना रोने देती है, ना हंसने देती है, ना सोने देती है, ना जगने देती है, मैं किसको बोलूं विरह कथा का सुनूं कौन सा, मेरी नींद नष्ट हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि मीरा कोई रात भर चारपाई पर बैठी रहती थी, नहीं, सोती तो थी, नींद नष्ट हो गई माने अब गफलत नहीं है, हम सब मोहन शाह सब सोवन हारा, भगवान की चर्चा करते 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 करते, पियको पंथ निहारत सिगरी रैन बिहानी, बिहान होता है भगवत चर्चा, बिहान जागे जग मंगल सुखदार, कहत राम गुण भाभीनु सारा, कहत राम गुण भाभीनु सारा, जाके जग मंगल सुख तारा, जाके सुख मंग नाम से ही होता है, जागे सुख जग मंगल सुख दारा, कहित राम गुण भा भिनु सारा, अंग अंग व्याकुल भई मुख पिय पिय बानी। मीरा ने बहुत बड़ी बात बोली, अंतर वेदन विरह की, मेरो विरह न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई,
अंगों में दर्द नहीं है, रोयों में दर्द है, श्वासों में दर्द है, दर्द बाहर नहीं है, दर्द मेरे भीतर है, अंग अंग व्याकुल भई, वैद्य नहीं पकड़ पा रहा, विरह की वेदना, विरह का दर्द, घायल की गत घायल जाने, कैजिल घायल हो, जौहर की गत, जिसका तवे पर हाथ नहीं जला वो जौहर की अग्नि क्या पहचान पाए, जौहर की गत जौहर जाने, अंग अंग व्याकुल भई, अंतर वेदन विरह की, ये दर्दन जाने, कोई पहचान नहीं पर, मुझे समझाने वाले बहुत आ रहे हैं लेकिन मुझे स्वस्थ करने वाला कोई नहीं आ रहा, रो मत क्यों नहीं रो, ये नहीं कहने वाला कोई नहीं आ रहा है, मत रो मत रो मत रो, ये नहीं पूछता है क्यों रो रही है, भोजन करो ये नहीं पूछते भूख क्यों नहीं लग रही है, विरह में यादों में सब चीजें छूट जाती, अंतर वेदन, देखिए वेद और वेदना ये दोनों शब्द एक ही धातु से बने हैं, वेद और वेदना, और ये क्या मूल्यवान शब्द लिखा है जिसने भी मीरा ने जो बोला है, ये वेदना वो है जिस वेदना से वेद का जन्म होता है जीवन में, वेद माने ज्ञान, वेदना माने दर्द, ये ऐसा दर्द है जो जीवन में वेद का जन्म करता है, ज्ञान का प्रकाश का जन्म करता है, धर्म का जन्म करता है, ईश्वर दर्शन का जन्म करता है, ये वेद है और ये नियम है, अगर वैदिक जीवन नहीं जियोगे, धर्म का जीवन नहीं जियोगे तो वेदना में कराहते रहोगे, वेदना वो चाहिए जो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश कर दे, भगवत प्रकाश कर दे, दर्शन करा दे, अंतर वेदन विरह की, ये पीर मैंने ये दर्द जाना नहीं था कि विरह का दर्द ऐसा होता है, न सोने देता है न जगने देता, रोने देता है न हंसने, न जीने देता है न मरने देता है, सखी कैसे तुझे समझाऊं, तो जब बातें दोनों कर रही थी तो जो सेवक लगा था जो चौकीदार लगा था वो राणा के पास चला गया, विक्रम के, राणा जी ऐसा लगता है कि रानी जी के कमरे में कोई है, वार्ता हो रही है, ठीक 1 बजे का समय रात्रि को राणा ने कुंडली खटखटा दी, मीरा द्वार खोलो, और जब मीरा जी ने द्वार खोला तो अंदर तो कोई था नहीं, सेविका थी और मीरा जी थी, राणा ने तलवार निकाल ली, कौन था किस पुरुष से बात कर रही थी, बोले मैं पुरुषों से बात नहीं करती, मैं परम पुरुष से बात करती, मिट्टी के पुतलों से बात नहीं करती, मैं परमात्मा से बात करती हूं, ये है सामने, आप भी दर्शन कर लीजिए, आंखें खुल जाएंगी आपकी, ये जड़वत तुम्हारा जीवन, दर्शन करो, राणा तो इतना तमतमाया हुआ था, मूर्ति उठाई छीनी और मेवाड़ की झील में फेंक दी, ऐसी कथा आती है कि जैसे ही राणा ने मूर्ति को मेवाड़ की झील में फेंका, मीरा ने झील में छलांग लगा दी, मीरा ने प्रियतम के साथ छलांग लगा दी, और घटना कहती है मीरा ने छलांग तो मेवाड़ में लगाई थी, तो निकली है तो वृंदावन में यमुना जी के किनारे आकर, छलांग मेवाड़ में लगी थी, छलांग भक्त की छलांग तो भगवान के चरणों में जाकर निकला करती, भगवान के सानिध्य में जाया करती, प्रियतम की नगरी में आ गई, प्यारे की नगरी में आ गई, 5000 साल पुराना इतिहास, अब तो वृंदावन एकदम उजड़ा हुआ, बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, सूखा रूखा सब लताएं मुरझाई हुई, कांटे करील, वृंदावन वही है लेकिन आभा नहीं है, जो कृष्ण के साथ आभा चल, कृष्ण के साथ आभा चल, मीरा जी वृंदावन में पागलों की तरह विचरण करने लगे, किसी ने पूछा संत ने, किसी जो लकड़ी बीनने आती थी ब्रजवासिन, उनसे पूछा कि आपको ये वृंदावन कैसा लग रहा है देवी, तब मीरा जी ने गाया है, लागे वृंदावन नीको सखी मोहे, लागे वृंदावन नीको सखी मोहे, लागे वृंदावन नीको सखी मोहे, घर घर तुलसी लागे
लगी, लेकिन वृंदावन उजड़ा हुआ है। ललिता सखी प्रकट हो गई, मीरा आओ मैं तुमको लीलाओं का दर्शन कराती हूं। देखो ये वंशी भट्ट है, याद आ गया तुमको? ओहो तुमको ध्यान आ गया, ये केशी घाट है, वो देखो ना, वो चीर घाट तुमको मालूम है कि नहीं? ये देखो निधिवन जहाँ रास हुआ करता था, ये देखो सेवा कुंज जहाँ श्री जी रात्रि को शयन करती थी, देखा तुमने रमण रेती में कितना हम लोग खेला कूदा करते थे। इधर आओ मेरे साथ, यहाँ से आगे चलो, ये देखो कोकिला वन, वो लीला याद है? ये देखो नंदगांव, ये तुमको पावन सरोवर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो बरसाना, ये देखो गहवर वन, ये देखो प्रेम सरोवर, अच्छा कुसुम सरोवर तुमको याद है कि नहीं? आओ देखो कृष्ण कुंड राधा कुंड, ये गिर गोवर्धन तुमको याद आ गया कि नहीं? ललिता जी एक एक लीला को, एक एक लीला को दर्शन करा रही है। मीरा जी डूबी जा रहे, मीरा जी ने यहां पूछा किसी से कि यहाँ कोई संत का दर्शन करा, यहाँ संत कहाँ है? उस समय जीव गोस्वामी जी वृंदावन में भजन करते थे, निधिवन के पास ही उनकी कुटिया थी। बोले वहाँ जंगल में निधिवन के पास एक बाबा जी हैं, लेकिन वो किसी स्त्री से मिलते नहीं है, स्त्री का मुंह नहीं देखते। मीरा जैसे कोई आंधी, जैसे कोई बाढ़ आती है और सारे कचरे को बहा कर ले जाती। जैसे मीरा जी पहुंची द्वार पर, सेवकों ने कहा नहीं, महाराज जी का नियम है स्त्री का मुख नहीं देखते, आप लौट जाइए। चीख पड़ी, ये कौन पुरुष पैदा हो गया ब्रज में? ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया ब्रजमंडल में? ब्रज में तो केवल एक पुरुष है कृष्ण, बाकी तो सब गोपियां, ये नया पुरुष कहां से पैदा हो गया? जब इतना चीख कर बोला, जीव गोस्वामी जी को दौड़ कर आना पड़ा, लगता है कोई उस समय की गोपी प्रकट हो गई, उस समय की गोपी प्रकट हो गई। जब यहां भी उपद्रव राणा ने बहुत कराया, बहुत प्रकार के लोग यहां भेजे मीरा जी को तंग करने के लिए, और यहां से जबरदस्ती सेना के बल पर मीरा जी को जब ले जाने की कोशिश हुई, तो मीरा जी ने रो रो कर भगवान को पुकारा, भगवान मुझे यहां से जाने मत दो, भले ही मुझे नौकरानी बनाकर यहां रख लो, मैं वृंदावन में झाड़ू बहारी लगाती रहूंगी, लेकिन चाकर राखो जी गिरधारी लाला, 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 चाकर राखो जी गिरधारी चाकर राखो जी गिरधारी लाला, चाकर रह सू भाग लगासू नित उठ दर्शन पासू, चाकर रह सू भाग लगासू नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, तेरी लीला बासू गिरधारी लाला, चाकर राखो जी गिरधारी लाला, चाकर
बचा कर राखो जी। मैं दासी बनकर बुहारी लगाती रहूंगी। लेकिन राणा के लोगों ने जब बहुत तंग कर दिया, गोस्वामी जी ने वृंदावन से तुलसीदास जी के लिए एक पत्र लिखा है, पूरे पूरे परिवार के ये अत्याचार की पूरी कहानी विस्तार से। तुलसीदास जी का उत्तर आया है, जाके प्रिय न राम वेदे तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। तुलसीदास जी का ये शब्द ये तीर जैसा चुभा, मीरा वृंदावन छोड़कर द्वारिका आ गई। और जब मीरा द्वारिका आई है, पूरे के पूरे राजस्थान में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, अनावृष्टि हो गई, हाहाकार मचने लगा। राणा को लोग गालियां देने लगे, साधो अवज्ञा कर फल ऐसा झरय नगर अनाथ कर। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाई जे अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सूझी, राम रोष पावक सूझी। अभागा हो गया, तुमने संत अपराध किया। भगवान कहता मैं तो हूं संतन को दास, मैं तो हूं भक्तन को दास, भक्त मेरी मुकुट मणि। जब हाहाकार मचा, इसी बीच में विक्रम राणा की मौत हो गई। इनकी जगह गद्दी पर राणा उदय सिंह बिठाए गए। ये अच्छे धर्मात्मा राजा थे, महाराणा प्रताप इन्हीं के द्वारा पैदा हुए, महाराणा प्रताप के पिता थे। मीरा जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे, बहुत श्रद्धा, बहुत आदर करते थे, लेकिन विक्रम के कारण से बोल नहीं पाते थे। तो महाराणा उदय सिंह जी ने अपने राजस्थान के प्रमुख प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया कि कैसे ये दुर्वस्था कैसे ठीक। बोले राणा भक्त अपराध हुआ है, उस मीरा को उस देवी को मना कर नहीं लाओगे राजस्थान समाप्त हो जाएगा। महाराज मेरे कहने से नहीं आएगी, मेरे परिवार ने अब इस लायक हम नहीं है कि उसको मुंह दिखा सके। मेरे परिवार ने जो अन्याय किया है हम उनके समक्ष जा नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं है। आप कृपा करके कैसे ही राजस्थान के प्राण बचाने के लिए आप मीरा जी को लेकर आओ। बहुत सारे ब्राह्मण परिवार संत जन आए हैं द्वारिका। मीरा जी मंदिर में उस समय पद गा रही थी, सब लेट गए चरणों में, देवी रक्षा करो, देवी रक्षा करो, देवी रक्षा करो, आपको मेवाड़ वापस जाना है, आपको मेवाड़ लेकर जाएंगे। ब्राह्मणों ने गमछे से गला कस लिया, जब तक आप नहीं चलेंगे अन्न जल हम छोड़ देंगे। मीरा ने कहा नहीं अब नहीं जाएंगे। जिस देश में साधुओं का सम्मान नहीं होता हो राणा से जाकर कह दो। बोले वो राणा समाप्त तो हो चुके हैं, तुम्हारे देश में साधु नहीं है, साधु का सम्मान नहीं है, हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं वो राणा चला गया। महाराज उदय सिंह जी बैठे, आपको जाना है। जब ब्राह्मणों ने अनशन कर दिया हम जल भी नहीं पिएंगे द्वारिका में, मेरा तो धर्म संकट में आ गई, क्या करूं। बोले अच्छा ऐसा करते हैं, मैं श्याम सुंदर से पूछ लेती हूं, मैं द्वारिकाधीश को प्रियतम से पूछती हूं उनकी क्या आज्ञा है। मंदिर में भगवान द्वारिकानाथ खड़े थे, ब्राह्मण ऐसे बैठे हुए थे हाथ जोड़े, और मीरा ने भगवान के सामने हाथ उठा दिए। भगवान आप आज्ञा करिए, आपके अतिरिक्त दुनिया में मेरा कौन है। जो कुछ मुझे मन से रोना है मैं आप ही को तो कहूंगी। बनवाली रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या।
सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या कर गई। और जैसे ही मीरा जी ने हाथ उठाकर कहा, जैसे छोटा बच्चा माँ को देकर हाथ उठा देता है, बोलना नहीं जानता, माँ गोदी चाहिए, मीरा ने जैसे ही जगत पिता के सामने हाथ उठाया, प्रियतम के सामने हाथ उठाया, मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे, अगर आप नहीं पकड़ोगे तो संसारी पकड़कर मुझे ले जाएंगे, मुझे उधर नहीं जाना, दुनिया वालों से मेरा क्या काम है। और जैसे मीरा ने हाथ उठाकर बोला मेरी बाँह पकड़ लो,
उसी समय बिजली कड़कने लगी, भूचाल आया, मंदिर के शिखर हिलने लगे, पूरी धरती डगमगाने लगी और इतनी जोर की कड़क और चमक हुई, मूर्ति की दोनों भुजाएं आगे बढ़ी और मीरा जी को समेट लिया। देखते देखते मीरा कृष्ण में समा गया। पंडितों ने जब ये दृश्य देखा, पंडित दौड़े और जब तक दौड़कर मीरा जी को पकड़ते, केवल चुनरी का ठोक हाथ में आया, फाड़ कर ले। कोई बुद्धिमान कह सकता है शरीर मूर्ति में कैसे समाएगा? इसका वैज्ञानिक परीक्षण मत करो। मीरा अगर कृष्ण में नहीं समाएगी तो किस में काम में समाएगी? मीरा कृष्ण में विलीन नहीं करेगी, कृष्ण में नहीं डूबेगी, किस में डूबेगी? और वो सब ब्राह्मण रोते रोते उस चुनरी के टुकड़े को लेकर आए और महाराणा उदय सिंह जी को जब दिया है, सिर पर रखकर इतना रोए हैं उदय सिंह, इतना रोए हैं, अपनी पगड़ी में उसको सिलवाया है और पूजा की जगह पर वो उसको रखा हुआ है। ये मीरा थी, ये मीरा थी, कृष्ण में से प्रकट हुई, कृष्ण के लिए जी और कृष्ण में समा। भगवान के लिए जिए, भगवान में